नमस्कार दोस्तों, सीखो ऑनलाइन में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों मैं प्रदीप फौजदार आपके लिए जीके पढ़ा रहा हूँ। इस यहाँ एनटीपीसी का पूरा सिलेबस कराएंगे। दोस्तों जो भी अपने टॉपिक डाले जीके के, बहुत ही अच्छे से समझाएं और आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हों तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आप चैनल के साथ बने रहें। दोस्तों अब अपन आगे चलते हैं और एक नया टॉपिक देखेंगे दोस्तों आज के। और अपना टॉपिक रहेगा दोस्तों ज्वारभाटा, और ज्वारभाटा को अपन कैसे समझेंगे वो देखना। अपना टॉपिक देखेंगे दोस्तों ज्वारभाटा। ज्वारभाटा, ज्वारभाटा होता है क्या है? ज्वारभाटा एक मिक्स घटना है और जिसे अपन ज्वारभाटा कहते हैं। कैसे? देखो, जो हमारा सागरीय जल है, मान लो जो पृथ्वी है, पृथ्वी के 71% पर जल और दोस्तों 29% पर स्थल है, ये अपन जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने देखा था। ज्वारभाटा कहते हैं किन्हीं कारणों से जो सागरीय जल है उसमें जो लहरें पैदा होती हैं, उन लहरों को अपन ज्वारभाटा का नाम देते हैं। जैसे लहर पैदा हुई, जल का ऊपर उठना तो कहलाता दोस्तों ज्वार, और जल का नीचे गिरना कहलाता दोस्तों भाटा। फिर ज्वार आएगा, फिर भाटा आएगा, यानी जब जल ऊपर जाएगा तो नीचे भी गिरेगा और नीचे गिरेगा तो फिर से ऊपर जाएगा। तो इस मिक्स घटना को अपन नाम दे देते हैं दोस्तों ज्वार भाटा। और हमेशा ज्वार के बाद भाटा आएगा और भाटा के बाद ज्वार और ज्वार के बाद भाटा। तो मिक्स घटना हो गई जिसे अपन नाम देते हैं दोस्तों ज्वार भाटा। तो जलीय भाग में आएगा, सागरीय या समुद्री भाग में ये घटना बनती है ज्वार भाटा की। अब हमारा पॉइंट ये बनता है, इस ज्वार भाटा के आने का कारण क्या है? तो दोस्तों इसके ज्वार भाटा आने का कारण है, दो बल हैं। एक है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, और एक है दोस्तों अपकेंद्रीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल के द्वारा जो घटना बनती है उसे अपन कहेंगे दोस्तों ज्वार भाटा। गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे कि किसी चीज को अपनी ओर खींचना, तो गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के द्वारा लगाया जाता, एक है दोस्तों सूर्य और एक है चंद्रमा। इन दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल से बनने वाली सागरीय जल में घटना कहलाती है ज्वारभाटा। ज्वारभाटा को अगर ऐसे देखें तो दोस्तों इसके दो पार्ट बनाकर पढ़ते अपन। एक होता है दीर्घ ज्वारभाटा, दीर्घ ज्वारभाटा, और दोस्तों एक होता है लघु ज्वारभाटा। दीर्घ ज्वारभाटा और एक होता है दोस्तों लघु ज्वारभाटा। इन दोनों को अपन वन बाई वन देखते हैं, कब दीर्घ ज्वारभाटा आते कब लघु। लघु यानी छोटा, छोटे ज्वारभाटा और बड़े ज्वारभाटा। इनकी घटना सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल से सागरीय जल में बनती है घटना। ऊपर जल जाता है तो ज्वार और नीचे आता है तो भाटा, और मिक्स घटना कहलाती जाती है दोस्तों ज्वार भाटा के। तो ये अपने आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं दोस्तों दीर्घ ज्वार भाटा अपन कैसे बनते हैं। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं, हमारा पहला ज्वार भाटा देखेंगे दोस्तों दीर्घ ज्वार भाटा। दीर्घ ज्वार भाटा, दीर्घ ज्वार भाटा, भाई ज्वार भाटा की घटना तो वही है, लेकिन दीर्घ ज्वार भाटा बनते कब है? मैंने पहले ही बताया था सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का आता है अपकेंद्रीय बल। लेकिन दीर्घ ज्वारक भाटा की घटना बनती है दोस्तों जब तीन पिंड जिनमें अपन कहेंगे सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, और सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों पिंड जब एक सीधी रेखा में आते हैं तब ये घटना तो कहलाती है सिजगी, लेकिन इस कंडीशन में बनने वाले ज्वार भाटा होते हैं दोस्तों दीर्घ ज्वार भाटा। तो ये जो तीनों पिंड जब सीधी रेखा में आएंगे
तब दीर्घ ज्वार भाटा की घटना बनेगी। तो सीधे कितने बार आते हैं? तो दोस्तों ये घटना मैंने ब्रह्मांड में बताया था, जब सूर्य का प्रकाश किन्हीं कारणों से पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, इस घटना को कहते हैं दोस्तों सूर्य ग्रहण। इस घटना को अपन क्या नाम देंगे दोस्तों? सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण की घटना बनती है अमावस्या को। अमावस्या को इसमें सूर्य द्वारा लगाया जाएगा दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा भी लगाएगा दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्योंकि ये जो सूर्य है पृथ्वी को अपनी ओर खींचने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। ये पृथ्वी को अपनी ओर खींचने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। इधर से जो चंद्रमा है वो भी पृथ्वी को अपनी ओर खींचने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। यानी पृथ्वी को खींचना है, अपनी ओर लाना है। और पृथ्वी को जब खींचेंगे तो बल लगाते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अपन ऐसे भी देख सकते हैं स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग को अपनी ओर खींचते पृथ्वी को। पृथ्वी कहती ना मुझे चंद्रमा के साथ जाना ना सूर्य के और मुझे किसी के साथ नहीं जाना, तो अपनी स्थिति के लिए बल लगाती है दोस्तों अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल के कारण ये अपने गति का विरोध करती है, इनकी पास जाने का विरोध करती है। जब ये विरोध किया जाता है तो दोस्तों इनका तो गुरुत्वाकर्षण बल बराबर, इनका तो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा पृथ्वी पर। और जब पृथ्वी पर लगेगा तो पृथ्वी में हलचल भी पैदा होगी। और अब जानते हो भारत अपनी पृथ्वी में जलीय भाग ज़्यादा है, और जलीय भाग में तो आप फूंक भी मारते हो तभी भंवर पैदा हो जाता है। यहाँ तो बात गुरुत्वाकर्षण बल की है। पृथ्वी विरोध जरूर करती है लेकिन जो स्थलीय भाग है उसका विरोध करते हो। स्थलीय भाग तो स्थिर रह जाता लेकिन जलीय भाग में लहरें पैदा हो जाती हैं, भंवर पैदा हो जाते, उन्हीं लहरों को कहते हैं दोस्तों अपन ज्वार भाटा। तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल, यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल, और यहाँ लगेगा अपकेंद्रीय बल। लेकिन ये तीनों पिंड एक दिन को और सीधी रेखा में आते हैं, और वो है दोस्तों चंद्र ग्रहण। और जो चंद्र ग्रहण है वो बनती है ये घटना दोस्तों पूर्णमासी को, पूर्णिमा को, जिसमें इधर रहेगा सूर्य, सूर्य सूर्य के बाद दोस्तों इधर रहेगी पृथ्वी, और यहां रहेगा दोस्तों चंद्रमा। यानी सूर्य का प्रकाश किन्हीं कारणों से चंद्रमा तक ना पहुंचे वो घटना कहलाएगी चंद्र ग्रहण, जो पूर्णिमा के दिन। इस कंडीशन में सूर्य ने लगाई गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को अपनी ओर खींचने के लिए, इधर से चंद्रमा ने भी लगाया गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को अपनी ओर खींचने के लिए। इसका गुरुत्वाकर्षण बल और दोस्तों इसका गुरुत्वाकर्षण, इसका गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों ने बल लगाए। लेकिन इस कंडीशन में यह कहा जाता जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है, दोनों का मान होता है बराबर। क्योंकि ये भी कहते हैं कि इसका दुगना गुरुत्वाकर्षण बल होता है चंद्रमा से, लेकिन दूरी भी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी 149 बिलियन किलोमीटर और इसकी मात्र दोस्तों 384,000 किलोमीटर। दूरी के हिसाब से भी तो प्रभाव रहेगा, इसकी दूरी कम है, इसकी दूरी ज़्यादा है, इसीलिए कहते इन दोनों के गुरुत्वाकर्षण मान का बराबर हो जाता है बल, जिसके कारण पृथ्वी ना तो इधर जा पाती है ना इधर जा पाती है। बराबर गुरुत्वाकर्षण बल से दोनों खींचते तो पृथ्वी को अपना आप केंद्रीय बल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि वो स्थिर रह जाती है दोनों के बल से। और इस कंडीशन में दोस्तों जो पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल है, अपकेंद्रीय बल वो हो जाता है शून्य। और इस कंडीशन में जो ज्वार भाटा बनते हैं दोस्तों, ऐसे ज्वार भाटाओं को अपन कहते हैं दीर्घ ज्वार भाटा या बड़े ज्वार भाटा। तो हमने देखा ये ज्वार भाटा दो दिन बनते, एक अमावस्या को एक पूर्णिमा को।
कंडीशन जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों पिंड एक सीधी रेखा में आते हैं और उनके गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल के कारण जो बनने वाली घटना है वो है दोस्तों दीर्घ ज्वार भाटा की। एक बार देख ले, स्क्रीनशॉट ले ले, अपन आगे चलते दोस्तों लघु ज्वार भाटा की बात करते वो कब आते, एक बार देख ले, स्क्रीनशॉट ले ले। तो दोस्तों बात करेंगे अपन लघु ज्वार भाटा की। तो लघु ज्वार भाटा तो वही है, लेकिन लघु ज्वार भाटा की घटना कब बनती है? इसमें ये कहते दोस्तों सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी जब तीनों समकोण की स्थिति बनाते हैं उस कंडीशन में बनने वाले ज्वार भाटा दोस्तों लघु ज्वार भाटा कहलाते हैं। देखना, जब तीनों पिंड सीधी रेखा में होंगे तो बनेंगे दीर्घ ज्वार भाटा, लेकिन जब तीनों पिंड एक समकोण की स्थिति बनाते हो तो समकोण की स्थिति में बनने वाले ज्वार भाटा है दोस्तों लघु ज्वार भाटा। अब आप कहोगे कि समकोण की स्थिति कैसे बन सकती है? तो देखो प्रैक्टिकली, यह है सूर्य के चक्कर लगाएगी पृथ्वी, ये सूर्य का चक्कर लगा रही पृथ्वी, यहाँ पृथ्वी की स्थिति, सूर्य को छोटा ले लेते एक बार, सूर्य यहाँ पृथ्वी की स्थिति, यहाँ पृथ्वी की स्थिति, यहाँ, और पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, तो ये लगाता है ऐसे चक्कर। अगर ये यहाँ और यहाँ होगा तो सीधी रेखा, अगर ये चक्कर लगाते हुए यहाँ और यहाँ चला जाए तो दोस्तों इस कंडीशन बनता है समकोण। और जब समकोण की कंडीशन बनती है उस कंडीशन बनने वाले जो ज्वार भाटा हैं दोस्तों वो कहलाते हैं लघु ज्वार भाटा। प्रैक्टिकली ऐसे बनती है समकोण की स्थिति। अब आप कहोगे समकोण की स्थिति बनती कब कब है? तो ये दोस्तों शुक्ल पक्ष और एक है दोस्तों कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की तो दो दिन है दोस्तों, सप्तमी अष्टमी। और दोस्तों जो कृष्ण पक्ष है उसकी भी सप्तमी अष्टमी के दिन जो ज्वार भाटा बनते हैं उन ज्वार भाटाओं को दोस्तों नाम देते हैं लघु ज्वार भाटा, क्योंकि जो दोनों पक्ष उनमें सप्तमी अष्टमी के दिन तीनों पिंड आते हैं समकोण की स्थिति पे, और जब समकोण की स्थिति आती है तब बनने वाले ज्वार भाटा है दोस्तों लघु ज्वार भाटा। अब आप कहोगे दीर्घ और लघु ज्वार भाटा में कितना अंतर होता है? तो लघु और दीर्घ ज्वार भाटा में ये कहते हैं कि लघु ज्वार भाटा दीर्घ ज्वार भाटाओं से 20% छोटे होते हैं। जो लघु ज्वार भाटा है वो दीर्घ ज्वार भाटा से 20% छोटे होते हैं। अब हमारी बात आती है ज्वार भाटाओं के क्वेश्चंस की कि इसके अतिरिक्त ज्वार भाटा को लेकर अपने क्वेश्चन क्या बनेंगे। तो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, अपन आगे का पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों अब जो क्वेश्चन बनेंगे, ज्वार भाटाओं में एक अंतर देखा जाता है। पहले आएगा दोस्तों ज्वार, फिर उसके बाद आएगा दोस्तों भाटा, फिर आएगा दोस्तों ज्वार, फिर आएगा दोस्तों भाटा। ये कहते हैं कि एक ज्वार के बाद अगर भाटा आता है तो उसमें समय लगता है दोस्तों 6 घंटे 13 मिनट। एक ज्वार के बाद उसका अगर भाटा आएगा तो समय लगेगा दोस्तों 6 घंटे 13 मिनट, और एक भाटा के बाद दूसरा ज्वार आएगा तो भी टाइम लगेगा दोस्तों 6 घंटे 13 मिनट। अगर ज्वार के बाद फिर से भाटा आएगा तो दोस्तों आएगा 6 घंटे 13 मिनट। यानी फर्स्ट ज्वार से चले और लास्ट भाटा तक देखना 6 घंटे 13 मिनट, 6 घंटे 13 मिनट, 6 घंटे 13 मिनट। तो ये तो घंटे तो हो गए दोस्तों 18 और मिनट हो गई 39, 39 हो गई
39 हो गई मिनट। तो क्या अपन कह सकते हैं एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। और 18 घंटे 39 मिनट में दोस्तों एक बार ज्वार, दो बार ज्वार, दो बार तो ज्वार आ गए, एक बाटा दूसरा बाटा, दो बार बाटा हो गया। तो अपन ये भी तो कह सकते हैं एक दिन में ज्वार बाटा की घटना दो बार आती है, या अपन ये भी तो कह सकते हैं भाई यहाँ देख लो प्रैक्टिकली दिख रहा है आपको, उस ज्वार से और बाटा तक हमें 18 घंटे 39 मिनट लग रहे हैं। तो अपन ये कह सकते हैं एक दिन में दो बार ज्वार बाटा आते हैं, एक दिन में दो बार ज्वार बाटा। अब आपसे क्वेश्चन चेंज करके आता कि एक ज्वार और एक बाटा में अगर इतना अंतर है तो एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार आने में हमें कितना समय लग जाएगा, एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार आने तक हमें कितना समय लग जाएगा? तो एक तो ये समय दोस्तों, एक ये समय, तो ये लग जाएगा 12 घंटे 26 मिनट में एक ज्वार के बाद दूसरा भाटा आएगा, सॉरी एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार, यानी दो ज्वारों में समय होगा 12 घंटे 26 मिनट, और दो भाटाओं में भी सेम 12 घंटे 26 मिनट, क्योंकि इस भाटा से इस भाटा तक चलेंगे तो ये समय, ये समय, तो 12 घंटे 26 मिनट। और ये कहते हैं दिन में घटना घटती है दो बार। दूसरा पॉइंट, अगर पूछता है सर्वाधिक ज्वार भाटा कहाँ आते हैं, सर्वाधिक ज्वार भाटा, तो दोस्तों जो सर्वाधिक ज्वार भाटा हैं वो आते हैं प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में। पूछे भारत में सर्वाधिक ज्वार भाटा कहाँ आते हैं, तो भारत में सर्वाधिक ज्वार भाटा आते हैं दोस्तों पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट पर सर्वाधिक ज्वार भाटा आते हैं। पूछे विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार भाटा, और विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार भाटा आते हैं दोस्तों फंडी की खाड़ी, और फंडी की खाड़ी पड़ती है दोस्तों कनाडा में। पूछ लिया जाता है विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार भाटा, सबसे ऊंचे, और विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार भाटा आते हैं दोस्तों फंडी की खाड़ी पड़ती है कनाडा में। पूछ ले भारत में सबसे ऊंचे ज्वार भाटा, भारत में सबसे ऊंचे ज्वार भाटा, तो भारत में सबसे ऊंचे ज्वार भाटा आते हैं दोस्तों ओखा तट, और ओखा तट पड़ता है दोस्तों गुजरात में। अगर यहां ऊंचाई की बात आती है तो कितने ऊंचे आते होंगे, तो सबसे ऊंचे विश्व में फंडी की खाड़ी में 15 से 18 मीटर ऊंचाई के आते हैं, भारत में सबसे ऊंचे ओखा तट पर यहां आते दोस्तों 2.5 मीटर ऊंचे ज्वार भाटा। दिन में दो बार आते हैं तो कई जगह, एक जगह ऐसी है जहां दिन में चार बार भी आते हैं, और एक जगह ऐसी है जहां ज्वार भाटा आते ही नहीं। तो हमने दो प्रकार के दीर्घ और लघु के बाद हमने समय देखा, एक ज्वार के बाद भाटा आएगा तो 6 घंटे 13 मिनट, भाटा के बाद फिर ज्वार आएगा तो 6 घंटे 13 मिनट, जिससे हमने पता किया कि दो ज्वारों के बीच समय होगा 12 घंटे 26 मिनट, और दो भाटाओं के बीच समय होगा 12 घंटे 26 मिनट, और एक दिन में ज्वार भाटा की घटना दो बार दोस्तों। सर्वाधिक ज्वार भाटा आते हुए से प्रशांत महासागर में, भारत में आते दोस्तों पश्चिमी तट पर, वही समुद्री सीमा, विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार भाटा फंडी की खाड़ी कनाडा में 15 से 18 मीटर ऊंचे, और भारत में सबसे ऊंचे ज्वार भाटा दोस्तों ओखा तट में 2.5 मीटर, और ओखा तट पड़ता दोस्तों गुजरात में। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ही अच्छे से समझाएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, इसकी आगे बात करते स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। तो दोस्तों आगे बात करें अपने, आगे बात आती है ये कहा जाता अगर दिन में हमने पढ़ा दो बार ज्वार भाटा आते हैं, दो बार ज्वार भाटा आते हैं हमने ये पढ़ा है, लेकिन ये कहते हैं न्यू साउथ हैम्पटन
और न्यू साउथ एम्पटन में दिन में 4 बार ज्वार भाटा आते हैं, दिन में 4 बार ज्वार भाटा आते हैं। अब ये तो विधि चेंज कर दी, हमने पढ़ा 2 बार, यहाँ 4 बार। तो दोस्तों यहाँ 4 बार इसलिए आते, 2 साइडों से आते, इधर सागरीय भाग से और एक दूसरी साइड से। तो एक तो आते इंग्लिश चैनल से 2 बार, इंग्लिश चैनल से 2 बार आते हैं, और 2 बार आते हैं दोस्तों उत्तरी सागर से, 2 बार इंग्लिश चैनल से, और दोस्तों 2 बार आता है उत्तरी सागर से। तो हो गया भाई समुद्री जगह एक साइड से दूसरी साइड से 2 बार आ गए, लेकिन ऐसी जगह जहां ज्वार भाटा नहीं आते, ज्वार भाटा नहीं आते हैं, और वो जगह है दोस्तों जहां ज्वार भाटा नहीं आते, एक का नाम है श्वेत सागर और एक का नाम है दोस्तों बाल्टिक सागर। और श्वेत सागर और बाल्टिक सागर में, बाल्टिक सागर में ज्वार भाटा की घटना नहीं घटती, और वो कारण है इनकी अक्षांशीय स्थिति। अक्षांश स्थिति के कारण ये कहते हैं श्वेत सागर और बाल्टिक सागर में ज्वार भाटा की कंडीशन नहीं बनती। तो दोस्तों ये तो हमारा छोटा सा टॉपिक ज्वार भाटा का, समुद्री जलधारा का, लहरों का, बहुत ही अच्छे से समझा और आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बने रहें हमारे चैनल के साथ, सीखो ऑनलाइन के साथ, जहाँ आपको अलग अलग पर टॉपिक की वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों थैंक यू, दोस्तों धन्यवाद।